छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक बाबू ट्रांसफर होने के बाद भी ड्यूटी कर रहा है। आपको बता दें कि कोरिया जिले की नगर पालिका निगम चिरमिरी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें यहां के बाबू को ट्रांसफर होने के एक साल बाद भी रिलीव नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका निगम में सहायक ग्रेड वन के रूप में पदस्थ बाबू श्याम देश पांडे का ट्रांसफर 31 अगस्त 2019 को बिलासपुर नगर निगम के लिए हो चुका है, पर आज तक उसे आयुक्त द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने इसकी शिकायत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय में की है। श्याम देश पांडे पिछले 30 सालों से चिरमिरी में पदस्थ हैं। आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा का कहना है कि इन्हें कार्यमुक्त नहीं करने पर मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने आयुक्त को एक पत्र भी लिखा था, जिसके चलते इन्हें आज तक कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। राजकुमार मिश्रा ने मंत्रालय में दी गई शिकायत के बाद भी कार्रवाई ना होने पर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की बात भी कही है। बता दें चले कि छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक बाबू का ट्रांसफर होने के बाद भी वो ड्यूटी कर रहा है। कोरिया जिले की नगर पालिका निगम चिरमिरी का ये मामला है जिसमें यहाँ के बाबू को ट्रांसफर होने के एक साल बाद तक भी रिलीव नहीं किया जा रहा है। बाबू श्याम देश पांडे का ट्रांसफर 31 अगस्त 2019 को किया गया था। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। आप लोगों से लोग कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात लोग भूल गए थे। मेडिकल कॉलेज की बात ही नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा करवा ली है, ये बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.